फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, खास फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल का, और वो किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट हुई। इमेजिंग करो ये हमारा एक मटेरियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस पे हो रहा है, जब हमने फ्रीक्वेंसी इस पे टू न्यू नॉट का फोटॉन्स डाला, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है बी वन है। ऑब्वियसली आप पढ़े होंगे थ्योरेटिकल में कि ये आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं, जो फोटॉन्स डाले गए और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनकी वेलोसिटी जीरो से लेकर मैक्सिमम तक डिस्ट्रीब्यूट होती है उनके बीच। तो ये हमने फोटॉन्स डाले, जब हम और इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, जब हमने इस पे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट कर दिए तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी है वो v2 हो गया होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v2 हो गई होगी। जो तो हमें निकालना है v1 वेलोसिटी अपन v2 की रेशियो निकालना है। ऑब्वियसली देखो हम सबको पता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, एनर्जी बढ़ा रहे हो फोटॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी तो v2 यहाँ पर जो वेलोसिटी है सेकेंड केस में वो ग्रेटर होगा v1 से। तो अगर v2 ग्रेटर होगा v1 से तो जो सोल्यूशन है वो 1 से कम आएगा यार, क्योंकि v2 ग्रेटर है, यहाँ से देख रहे हो v2 ज़्यादा ना v1 से तो 1 से कम आएगा। ये तो सही कभी हो नहीं सकता और ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। तो चलो दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं, दो केस है, दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा के। फर्स्ट केस में अगर मैं आइंस्टाइन का एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो ये एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv में यूज होती है, और ये आइडियल केस में ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम ली जाती है, आइडियल केस है। तो एनर्जी इंसिडेंट पहले केस के लिए लगाओ h न्यू होता है तो h 2h न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना वेलोसिटी मैक्सिमम है, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है तो वर्क फंक्शन h न्यू नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि h न्यू नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ mv1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ तो ये जो एनर्जी है मैं बढ़ा दिया हूँ तो ये आ जाएगा 5 times h न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन वही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, h न्यू नॉट हाफ mv2 का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा तब तक वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा 4h न्यू नॉट और आ जाएगा हाफ m वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट से सेकेंड में, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था ये फर्स्ट में सेकेंड से हम डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, वही सोल्यूशन होगा। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड में अगर डिवाइड करोगे तो 1/4 मिलेगा, और इधर मिलेगा v1/v2, इधर आ जाएगा अंडर रूट, मतलब v1/v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, मतलब 1/2 अगर बोले हुए तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और ये गलत है।